ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंडरी सेल के ड्राइंग तथा वर्किंग के बारे में देखेंगे। जो सेकेंडरी सेल होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं, उसमें एक होता है लेड एसी सेल। तो ये लेड एसी सेल का फिगर दिखाई दे रहा है आपको। उसमें आपका जो बाहरी वाला भाग होता है, ये आपका कंटेनर होता है जो कठोर रबर का बना होता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। जो नेगेटिव होता है पीबी लेड का बना होता है, जो आपका पॉजिटिव होता है पीबी ऑक्साइड का बना होता है, मैं लेड ऑक्साइड का बना होता है। इसमें जो इसमें घोल होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 डालते हैं। इस सेल की ईएमएफ की बात करें तो इसकी ईएमएफ लगभग 2.2 होती है। इसकी काम करने के तरीके पर देखें तो जब इसको हम लोड से जोड़ते हैं उस समय करंट की दिशा प्लस से नेगेटिव की तरह जाती है, प्लस से माइनस की तरह, और जो बैटरी में करंट की दिशा चलती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह होती है। ठीक है, जैसे हम लोड से जोड़ते हैं तो उस समय जो H2SO4 होता है वो दो भागों में टूट जाता है, हाइड्रोजन प्लस सल्फेट। तो जो हाइड्रोजन के अणु होते हैं वो आपके पॉजिटिव पे चले जाते हैं। जैसे आपके हाइड्रोजन हो गया, ये सल्फेट हो गया, उस समय आपके नेगेटिव प्लेट SO4 से क्रिया करती है। नेगेटिव प्लेट की बात करेंगे डिस्चार्जिंग के समय, तो उस समय पीबी SO4 के साथ क्रिया करके पीबी सल्फेट बन जाता है। ठीक है, और प्लस प्लेट हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके पीबी प्लस H2 प्लस SO4। इसमें कुछ SO4 की मात्रा आ जाती है जिससे आपका प्लस प्लेट हाइड्रोजन तथा सल्फेट से क्रिया करके पीबी प्लस SO4 प्लस 2H2 गैस बन जाता है। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है उस समय दोनों प्लेटें पीबी सल्फेट लेड सल्फेट, ये भी लेड सल्फेट बन जाता है। ठीक है, और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पानी के रूप में रह जाता है। ठीक है, उसमें पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। और हम प्लेटों की कलर देखें तो जब डिस्चार्ज बैटरी होती है उसमें प्लेटों की कलर सफेद, दोनों सफेद हो जाती है। अब हम चार्जिंग की बात करें, जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं उस समय हम लोड की जगह पे डीसी सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, तो उस समय जो करंट की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर होती है, और आपकी बैटरी के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह होती है। ठीक है, तो उस समय आपके नेगेटिव प्लेट हाइड्रोजन साथ क्रिया करके पीबी प्लस एच टू एसओ फोर बनाती है। जब क्या करते हैं, जब सप्लाई देते हैं इसमें डीसी सप्लाई, तो उसमें करंट दिशा प्लस से माइनस की ओर जाती है, जिससे क्या होता है कि
PbSO4 H2 के साथ क्रिया करती है और PbSO4 H2SO4 अलग अलग हो जाते हैं। अब प्लस प्लेट की बात करें तो PbSO4 सल्फेट के साथ क्रिया करके PbO2 प्लस 2H2SO4 बनता है, ठीक है। अभी इसमें दोनों प्लेटें पूर्व की स्थिति में आ जाते हैं, जैसे पीबी और PbO2। अभी इसमें प्लेटों की कलर की बात करें तो आपका जो पॉजिटिव प्लेट होता है वो भूरे कलर का हो जाता है और जो आपका नेगेटिव प्लेट होता है स्लेटी रंग का हो जाता है। इस प्रकार जब बैटरी चार्जिंग करेंगे फिर से क्या होता है कि H2SO4 आके इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। जब बैटरी डिस्चार्ज होता है उस समय इलेक्ट्रोलाइट के रूप में केवल जल ही बचता है, जिससे जिस प्रकार वो बैटरी काम नहीं करती है। जब बैटरी चार्ज होती है तो उसमें H2SO4 बचता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में और बैटरी काम करना शुरू कर देती है। आज के लिए इतना ही। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।